दोस्तों 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक इस वर्ष के नवरात्रि रहेंगे। पहला नवरात्रि व्रत 9 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा और आखिरी 9वां व्रत 17 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा, जो कि इसी दिन नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। इसी दिन करना है कन्या पूजन। दोस्तों नवरात्रि से पहले घर में ले आना है यह एक चीज, और इस एक चीज का आप बना सकेंगे ताबीज। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, हम सभी लोगों की अध्यात्म उन्नति होगी। दोस्तों अक्सर हमारे जो पड़ोसी लोग हैं या तो तांत्रिक होते हैं या फिर कुछ ऐसे षड्यंत्र कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने में लगे होते हैं, और ये खास करके गांव के इलाकों में ज्यादा होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ताबीज बनाना सिखा रहा हूँ, नवरात्रि के समय में अगर ये ताबीज बना ले तो सर्वप्रथम तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जो है स्टूडेंट है तो पढ़ने में आपका मन लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तीसरी बात दोस्तों, अगर आपकी अध्यात्म नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो है किस्मत में ताला लग चुका है, तो आपकी बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। चौथी बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नजर दोष लग जाता है, तो घर पे स्वयं आप जो है ताबीज बना करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए कि ऐसा ताबीज बनाने से क्या होगा, या फिर अगर स्वयं ये जानकारी जो है उनको पता है तो लोगों को क्यों बता रहे हैं। केवल ये मैं जानकारी जन कल्याण के लिए बता रही हूँ, ये जानकारी हमें हमारे गुरु से प्राप्त है। हम चाहते हैं कि इस जानकारी से और भी लोगों का भला हो, तो आप लोग जो है घर में ताबीज बनाना सीखे, नवरात्रि से पहले ये सामग्री को ले आए, और इस सामग्री को ज्योतिष कलश में आपको डालना, किस प्रकार से डालना है, क्योंकि जो नवरात्रि का समय होता है सिद्धि काल का समय होता है। नवरात्रि के समय में नव दुर्गा माता सबके घर में आ जाती है। आप माने या ना माने, नवरात्रि के समय में माता रानी सबके द्वार में सबके घर में हाव भाव को देखने के लिए आती है। तो इस वीडियो में ताबीज बनाने की संपूर्ण विधि बताऊंगा। माता, बहने, लड़की, पुरुष, स्त्री, कोई भी इस ताबीज को बना सकता है। इस ताबीज में ना मंत्र की जरूरत है ना तंत्र की जरूरत है, केवल एक सामग्री की जरूरत है, जो सामग्री आपको लानी है। दोस्तों इस जानकारी को पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो है जय माता दी जरूर लिखना है, क्योंकि माता रानी का आगमन शीघ्र होने जा रहा है। तो दोस्तों ये ताबीज अगर नवरात्रि के समय में आप इस वीडियो को देखेंगे, तब भी नवरात्रि के समय में आप बना सकते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं इसकी विधि बता दूंगा, लेकिन नवरात्रि से पहले देख रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए सोने सोने पे सुहागी है। तो देखिए, मैं जो ताबीज बनाने की विधि बताऊंगा, कला बताऊंगा, ये ताबीज आपको भूत प्रेत, ग्रह, नक्षत्रों की पीड़ा, केतु, नकारात्मक शक्ति, दुर्घटना, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी इत्यादि चलाते हैं और आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, तो इस दुर्घटना से बचाएगा। दुर्घटना में आपकी गाड़ी अगर क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तब भी आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ताबीज हम स्वयं धारण करते हैं। वही ताबीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। और दूसरा बात दोस्तों, पैसा कमाने के उद्देश्य से मैं ये जानकारी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि स्माइल फैमिली एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तीसरी बात दोस्तों, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा नजर दोष लगता है, तो ये ताबीज बना करके कोई भी छोटे बच्चे को पहना सकते हैं, बच्चे को नजर दोष नहीं लगेगा। और दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमारे एक टीचर थे जो हमेशा बोला करते थे, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे वो ये बोलते थे कि ये भूत प्रेत होता नहीं है। दोस्तों एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा ली, उनकी ही वाइफ को भूत इत्यादि पकड़ा दिया। तो ये सब चीज जो है, कहा जाए तो दोस्तों ये सब चीज होती है। आप माने या ना माने, हमारे मानने या आपके न मानने से कुछ नहीं होता, जो चीज है वो होती है। तो इन सभी चीजों से आपको बचना है जब आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर मार्ग पर चलते हैं दोस्तों, अच्छे मार्ग पे आप खूब आगे बढ़ते हैं, खूब तरक्की करते हैं, तो पड़ोसी खूब जलते हैं। और इसी कारण आपके ऊपर में स्वयं अगर तांत्रिक नहीं है तो दूसरे के पास जाकर के पैसे इत्यादि देकर के तांत्रिक क्रिया कराते हैं, तो इनसे आपको बचना है। और ये ताबीज आप अपने घर में छोटे बच्चे को पहना सकते हैं, घर में अगर आपके जानवर हैं आप उन्हें पहना सकते हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं आप उन्हें पहना सकते हैं। और नवरात्रि में दोस्तों ज्योति कलश पर इस ताबीज को डालना, इस ताबीज के साथ में कुछ सामग्री ऐड करनी है, वो सामग्री जान लीजिए। और हाँ, नवरात्रि में बिना जप तप किए जीतने भी जो ताबीज है
अब कुछ भी चीज को करे, जो भी चीज बना रहे हो वो सब सिद्ध हो जाती है। नवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व होता है जो आपके सारे दुख तकलीफ को क्षण भर में समाप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के समय में हम भी एक्टिव रहते हैं, हम भी साधना करते हैं और नवरात्रि के दौरान आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, नवरात्रि के पूर्व ही ये वीडियो बनाई गई है। नवरात्रि के समय में आप लोगों को तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश करता हूं अच्छी से अच्छी जानकारी दू बाकी दोस्तों। ये ताबीज बनाना नहीं बनाना, अगर आप अपने जीवन में कष्ट को भोगना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, और अगर आप कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, कहते हैं ना कि जहां पे तलवार काम ना आए वहां पे सुई काम आती है, तो ये जानकारी आपको बिल्कुल काम आएगी। ये आपके जीवन को सुखमय बनाएगी। ताबीज के लिए नवरात्रि से पहले आपको कौन कौन सी सामग्री लानी है वो ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के वक्त अगर आप ये सामग्री लाते हैं तो एक काम करना, आपको ज्योति कलश में इस चीज को नहीं डालना है। मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो जो जो सामग्री की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, ध्यान से नोट करें। पहली है दोस्तों, आपको बच लाना है। बच किसी भी पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। अगर आपके घर के आसपास में बच है तो बहुत ही सुंदर है। बच क्या होता है दोस्तों? बच एक ऐसा तांत्रिक पौधा होता है जिसकी जड़ में बहुत ही स्मेल होती है। इसमें एक प्रकार की खुशबू निकलती है और बच की दोस्तों कहा जाता है। ये तांत्रिक क्रियाओं को काटने के लिए जो बच है, इसमें भैरव का वास होता है। बच दोस्तों सभी प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं को काटता है। तो अगर आप जो है बच की जड़ घर के आसपास में है तो ले आते हैं। अगर शुद्ध बच है तो फिर ये बहुत ही सुंदर है, नहीं है तो पूजन पाठ की दुकान से बच ले आइए। मिल जाती है सफेद और काली, ये दोनों प्रकार की बच आती है। तो आपको दोस्तों काले कलर की बच मिलती है तो अति उत्तम है, नहीं है तो सफेद कलर की बच ले आइए। प्रथम सामग्री नोट करें, पेन कॉपी में आपको बच लाना है। हमें ताबीज बनाने के लिए दूसरी सामग्री चाहिए दोस्तों, वो है दुर्वा घास की जड़, जिसे हम दूब बोलते हैं। तो दुर्वा घास की आपको कौन सी जड़ लेनी है? जो जड़ है दोस्तों कहां जाए तो आठ अंगुल से नीची हो। जो जड़ आठ अंगुल से नीची हो दोस्तों, वही जड़ आपको लानी है, दुर्गा घास की जड़ आप नोट करें। तीसरी चीज नोट करें दोस्तों, वो है काले धतूरे की जड़, जो काले धतूरे की जड़ है दोस्तों। ये तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है, और ये शनि को दोस्तों, शनि है, राहु है, केतु जैसे जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इनको ये बंधक बना करके रखने का काम करती है। जब तक ये आपके पास में रहेगी, शनि राहु केतु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। काले धतूरे की जड़ नोट करें, मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा, ताबीज बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद चौथी सामग्री नोट करें दोस्तों, सामग्री नहीं, पांच तुलसी पत्र आपको लेने हैं, जो तुलसी का दल होता है, पत्र होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है तुलसी के हर पत्ते पर, हर एक जगह पर भगवान कृष्ण जी बसते हैं, भगवान नारायण का वास होता है। जहां पे भगवान नारायण हो, भगवान नारायण की कही जाए शक्ति हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति, असुरी शक्ति किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाती है। तो पांच तुलसी पत्र नोट करें। ये जो मैं ताबीज बनाने की विधि बताऊंगा, ये ताबीज बनाने की विधि हमें हमारे गुरु से प्राप्त है। इसके बाद पांचवी सामग्री नोट करनी है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएगी। गोलोचन आपको पूजन उपयुक्त हेतु गोलोचन लाना है। आपके आसपास में जो बड़ी थोड़ी सी पूजन पाठ की दुकान है वहां पे गोलोचन मिल जाता है, या फिर गोलोचन आप ऑनलाइन अभी से मंगा लेना। छोटी सी डिब्बी ये 50 से 100 रुपए में मिल जाएगी। गोलोचन आप जो है आज ही अमेजॉन या फिर जो अच्छी साइट है जिस पे आपको मिले ऑन ऑर्डर कर लेना है। तो ये सामग्री नोट करके रखें। प्रथम चीज लेनी है बच लेनी है, दूसरी आपको लेनी है दुर्वा घास जिसे हम दुब घास बोलते हैं, तीसरी लेनी है काले धतूरे की जड़। काले धतूरे की जड़ भी बहुत आसानी से ढूंढिए, मिल जाती है। काले धतूरे की जड़ नहीं मिल पाए तो धतूरे की जड़वा सांप ले लेना चलेगा। इसके बाद पांच तुलसी के पत्र और आपको लेना है थोड़ा सा गोलोचन। अब आपको कितने ताबीज बनाने हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप जो है अपने घर के जानवरों के लिए बनाना चाहते हैं, घर में जैसे गौ माता होती है, आप चाहते हैं कि किसी का नजर गौ माता को ना लगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, गौ माता की जो है गौ माता पर ही नजर डाल देते हैं, दूध देना बंद कर देती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि व्यापार स्थान को बांध देते हैं। तो आपको कौन कौन सी जगह पर रिक्वायरमेंट है, अर्थात आप कौन कौन सी जगह के लिए ताबीज बनाना चाहते हैं, घर में कितने सदस्य हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उनके अनुसार जो है आप ताबीज बना लीजिए, सामग्री ऐड कर लीजिए। जैसे आपके घर में पांच लोग हैं, आप चाहते हैं कि पांच लोगों के लिए ताबीज बनाएं, तो पांच लोगों के लिए जितनी बच लगेगी, दुर्वा घास लगेगी, काले धतूरे लगेंगे, तुलसी पत्र लगेंगे, उतने ले आना। इसके बाद पांच आपके घर में लोग हैं, उनके लिए आप ये ताबीज तैयार करेंगे।
ताबीज कौन सा लेना है दोस्तों? आपको तांबे का थोड़ा सा बड़े साइज का ताबीज लेना है। ये ताबीज आपको 30 रुपए के आसपास मिलता है। आप जो है अपने एरिया के आसपास जहां पे पूजन पाठ की दुकान हो, जहां पर से थोड़ा सा बड़ा आपको ताबीज लाना है, ताबीज रखते हो। 10 रुपए में भी ताबीज मिलता है, 5 रुपए में मिलता है। इन ताबीजों की तरफ आपको नहीं भागना है। थोड़ा सा बड़ा ताबीज होना चाहिए, गोलाकार ताबीज होना चाहिए, तांबे का ताबीज होना चाहिए। तांबे का ताबीज नहीं मिल पाता, गोलाकार का तो छोटा आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बड़ा ताबीज लेने की, क्योंकि इन सामग्रियों को डालना है, ये सामग्री डालने का बन जाए। थोड़ा सा जो बड़ा ताबीज होता है बहुत ही सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो आपको आपके घर में कितने सदस्य हो देख लीजिए, फिर ये ताबीज ले लीजिए। इसके बाद इस ताबीज के अंदर में आपको बच को डालना है, दुर्वा घास एक छोटा सा बच का टुकड़ा डालना है। दुर्वा घास के आपको छोटे छोटे आपको टुकड़े डालना है। अब जो है बच के 2 से 4 टुकड़े भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। दुर्वा घास के टुकड़े डाल दीजिए, काले धतुरे के टुकड़े डाल दीजिए, 5 तुलसी पत्र डाल दीजिए, और अंत में आपको गोलोचन डालना है। थोड़ा सा गोलोचन डाल करके इस ताबीज को पैक कर दीजिए। अगर आप 5 ताबीज बनाना चाहते हैं, 5 ताबीज पैक कर दीजिए। इसके बाद आपको करना है क्या, ध्यान से सुनिए। जितने भी आप ताबीज बना रहे हैं, सबको अपने घर में अखंड ज्योति जलानी है। तो उस ज्योति कलश में आपको डालना है जो आप अखंड ज्योति घर में जलाएंगे। उस अखंड ज्योति कलश में आपको डालना है और 9 दिनों के लिए आपको इसे रख देना है। क्या करना है, इसे आपको 9 दिनों के लिए रख देना है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन इस ताबीज को आपको निकाल लेना है, और लाल रंग का धागा, जो लाल कलर का, रेड कलर का जो धागा आता है दोस्तों, लाल कलर के धागे में इसे बांध करके छोटे बच्चे को घर में जो मवेशी है फिर स्वयं पहन सकते हैं। इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और हाँ, अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, परेशान मत होइए। आप अपने घर में जहां पे माता रानी जी की तस्वीर है, आप जो है वहां पे डेली जो दीप जलाते हैं, वहां पे ये ताबीज माता रानी के श्री चरणों में रख दीजिए, तब भी ये 9 दिनों के भीतर में जाग जाएंगे। लेकिन अगर ज्योति कलश में डालते हैं तो, क्योंकि ये अखंड होता है, बिना मंत्र तंत्र के जगाए भी ये जग जाएगा, और ये आपको हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेगा दोस्तों। आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे जब तक ताबीज आपके गले में रहेंगे। भूत प्रेत टोना जादू नीच शक्ति शनि राहु एवं नाना प्रकार के जो नकारात्मक शक्ति, सबसे आप बचे रहेंगे। फिर किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पैसे अपने नहीं ऐठवाना है, पैसे आपको बर्बाद नहीं करने हैं। स्माइल फैमिली आप सभी लोगों का परिवार है। स्माइल फैमिली चैनल में आप लोगों को इसलिए इस प्रकार के और भी जानकारी बताता हूं ताकि आप सब लोग ठग से बचे और ताबीज को स्वयं घर में बनाना सीखे। ये ताबीज हमें हमारे गुरु ने बताया है दोस्तों। हमारे जो गुरु है, मैं आज बता दूं दोस्तों, हमारे गुरु नाथ संप्रदाय में जुड़े हुए बहुत ही बड़े संत है। और वैसे हमारे 2-3 गुरु है, लेकिन जिन गुरु से हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो गुरु नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों, ये ताबीज आप अपने घर में कार्यस्थान में बांधे घर की धन पेटी में भी रखे, क्योंकि धन पेटी पे भी किसी का नजर दोष लग जाता है तो नजर दोष से बचाएगा। बाकी आप लोग ताबीज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हां, जैसे कि अब भी मैं आप लोगों को बताया हूं कि नवरात्र के बीच में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना, नवरात्रि के जैसे द्वितीय दिन, तृतीय दिन, पंचमी या फिर 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसी दिन तभी ये ताबीज बना सकते हैं। और ताबीज बनाने के बाद माता रानी जी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, या फिर माता रानी जी की जो भी चीज है, उनके सामने में आप इसे रख देना। मूर्ति तो मूर्ति के पास में रखिए, तस्वीर हो उसके पास में रख दीजिए, जागृत हो जाएगा। इसके बाद आप जो है इसे नवरात्रि के बाद धारण कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा जितना प्रथम दिन से आप ये ताबीज बना करके रखोगे उसमें देगा। लेकिन हां, सप्तमी की रात्रि में इस ताबीज की अगर बाहर में रखे तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके भी धारण, जो है गंगा जल छिड़क देना बाहर में, तो तब ये सिद्ध हो जाएगा। बाकी अगर कलश में डालते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, ये आपके लिए लकी बन जाएगा। आपको नौकरी मिलेगी, इस ताबीज से आप अपनी कार में बांधे दुर्घटना नहीं होगी, बहुत सारे क्षेत्रों में आपके मित्र की भांति मदद करेगा। आजमाया हुआ ताबीज है और इसके लाभ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये ताबीज बनाइए। आप अपने घर में छोटे बच्चे को सुरक्षित रखिए, स्वयं सुरक्षित रहिए। रात में अगर आपका आना जाना होता है, कहीं पर ड्राइविंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर है ये ताबीज। मैं हर दिन बोलता हूं, आप इसे अपने घर परिवार के लोगों में शेयर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। हो सकता है दोस्तों आपकी शेयर की गई छोटी सी वीडियो किसी की जान को बचा सकती है, किसी के लिए अमृत जैसी साबित हो सकती है, आपको पुण्य मिलेगा। जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।